साल 2022 में वर्ल्ड बैंक ने एक ग्राफ पब्लिश किया जिसमें क्लियरली ये दिख रहा है कि साल 2011 के बाद से सऊदी अरेबिया इकोनॉमिक स्लोडाउन का सामना कर रहा है। इनफैक्ट सिर्फ 2023 की अगर बात करें तो पिछले 6 महीनों में सऊदी की इकोनॉमी सिर्फ 1.1% से ही बढ़ी है। इससे ज्यादा परसेंटेज ग्रोथ तो सऊदी के राइवल कंट्री ईरान का हो रहा है जो कि यूएस सैंक्शंस के बावजूद भी आज 3.6% से ग्रो कर रहा है। लेकिन amidst all this economic downfall, एक खबर आती है। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में करीब $10 बिलियन की मेजर इन्वेस्टमेंट करके एक ऑयल रिफाइनरी बनाने वाला है। यानी कि जरा सोचो, एक ऐसा देश जो पिछले एक दशक से इकोनॉमिक स्लोडाउन फेस कर रहा है, वो अपनी इकोनॉमिक रिकवरी के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो भी कहां? वेल, एक कंप्लीटली अनस्टेबल कंट्री पाकिस्तान में। सो नाउ हियर कम्स द मेजर क्वेश्चन कि क्या ये डिसीजन सऊदी अरेबिया की पूरी हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लंडर है, या फिर ये शायद सऊदी अरेबिया का कोई मास्टर प्लान है जिसे हम शायद ग्रास्प नहीं कर पा रहे, क्योंकि हिस्टोरिकली सऊदी अरेबिया हमेशा से काफी स्ट्रेटेजिक कंट्री रहा है और अभी के प्रिंस को तो कई लोग एक जीनियस से कम नहीं समझते। सो चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। सो फ्रेंड्स, थोड़े से अचंभे में आकर जब हमने हर दिशा में इसकी रिसर्च की, तब ये पता चला कि सऊदी अरेबिया ये प्रोजेक्ट अपने विजन 2030 गोल के तहत कर रहा है। दरअसल सऊदी अरेबिया दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, इसमें कोई नई बात नहीं है। उसके टोटल ऑयल एक्सपोर्ट्स में 80% और टोटल GDP में 40% कॉन्ट्रीब्यूशन इसी ऑयल इंडस्ट्री से आता है। और ये भी अब एक कॉमनली नोन फैक्ट है कि इंडिया और बाकी के ऑयल डिपेंडेंट देश भी अब धीरे धीरे अपनी एनर्जी नीड्स के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पर शिफ्ट हो रहे हैं। और इसी के साथ साल 2020 में आए COVID-19 पैंडेमिक में दुनिया थम सी गई थी और दुनिया भर में क्रूड ऑयल की डिमांड सडनली जमीन पर आ गई। So, इसी चीज को विजुलाइज कर चुके सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साल 2016 में ही एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया था बाय द नेम विजन 2030। इस प्रोजेक्ट के तहत सऊदी अरेबिया धीरे धीरे करके अपनी इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने के लिए यूरोप, अफ्रीका, एशिया के इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर अपनी स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज को बढ़ाने वाला था। अब ऐसे में सिंस सऊदी के इस एम्बिशियस प्लान्स में पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी इन्वॉल्व है, तो न्यूज में ऐसा आ रहा है कि सऊदी स्पेसिफिकली पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान में इंटरेस्टेड है। बट बात तो यह है कि क्या बड़े पिक्चर में सऊदी पाकिस्तान के बारे में सोच भी रहा है क्या? And well, wait, let me explain you कि मैं ये सवाल आपसे पूछ भी क्यों रहा हूं। देखो, पिछले कुछ सालों से चाइना ने पाकिस्तान में चल रहे अपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC प्रोजेक्ट, जो कि चाइना के शिनजियांग प्रोविंस को बाय रोड ग्वादर पोर्ट से जोड़ने वाला था, उसे हॉल्ट कर रखा है। And mainly because of two reasons. First, CPEC के प्रोजेक्ट को कुछ privately owned Chinese independent power producers power supply देने वाले थे और CPEC के contract के अंतर्गत उसका bill पाकिस्तान को भरना था। But as you all know, पाकिस्तान उसकी billing में कई सालों से default कर रहा है और उसी वजह से there was a threat कि वो Chinese power producers भी CPEC के चक्कर में अपने खुद के देश में default कर जाते। And the second reason was linked to terrorism. रिसेंटली CPEC पर काम कर रहे चाइनीज वर्कर्स के ऊपर जो टेरर अटैक्स हुए, उससे चाइना का पाकिस्तान के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पर वापस से ट्रस्ट ब्रेक हो गया और इसीलिए चाइना अब CPEC में और इन्वेस्टमेंट करने से कतरा रहा है, 10 बार सोच रहा है, क्योंकि इससे चाइना का इकोनॉमिक फ्यूचर खतरे में आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, डोंट वरी, आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कतराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब आपको एक हाई पेइंग फील्ड में जॉब करना है तो कोडिंग इन्वेडर्स लेकर आया है एकदम बिगिनर फ्रेंडली कोर्सेज ऑन डेटा एनालिटिक्स। अब देखो फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी का ग्रोथ उसके टॉप लीडर्स द्वारा लिए गए डिसीजंस पर ही डिपेंड करता है। लेकिन ये लीडर्स ये डिसीजंस लेते कैसे हैं? वेल, डेटा एनालिस्ट द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा से। आज पूरी दुनिया, हर एक फील्ड, हर एक कंपनी डेटा ड्रिवन हो चुकी है और इसीलिए आज डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट मोस्ट इन डिमांड टेक रोल्स 2023 में सबसे टॉप पर है और कंपनीज में इन जॉब्स की वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा पे करने के लिए कंपनीज रेडी है इस रोल के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर अगर आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता है या फिर आप अपने करियर फील्ड को चेंज करने की सोच रहे हो फॉर हाई पेइंग जॉब, तो कोडिंग इन्वेडर्स आप जैसे बिगिनर्स के लिए ही है, जहां पर आपको SQL और पाइथन जैसे सीमिंगली डिफिकल्ट लैंग्वेजेस भी इजीली सिखाया जाएगा, वो भी डायरेक्टली डेलॉइट, इंफोसिस, ZTV जैसे कंपनीज के वर्किंग प्रोफेशनल्स द्वारा। कोडिंग इन्वेडर्स के कोर्सेज का टेन्योर है 6.5 मंथ्स, जिसमें आपको हर हफ्ते 30 से ज्यादा बिजनेस केस स्टडीज, 1500 से ज्यादा असाइनमेंट्स और 2 लाइव सेशंस मिलेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कोडिंग इन्वेडर्स के 100% जॉब असिस्टेंस की वजह से आपका एक हाई पेइंग जॉब लैंड करने का चांस एकदम मैक्सिमाइज हो जाता है।
इनफैक्ट इन्होंने अब तक 300 प्लस हायरिंग पार्टनर्स के थ्रू 20,000 प्लस कैंडिडेट्स को 7.5 LPA से लेके 15 LPA के पैकेजेस वाली जॉब दिलाई। सो टू किक स्टार्ट योर करियर जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड यूज कूपन कोड गेट 40 टू अवेल 40% डिस्काउंट ऑन डेटा एनालिटिक्स कोर्स, ये सिर्फ खास मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू पाकिस्तान एंड चाइनास डबल माइंडेड अप्रोच ऑन सीपेक प्रोजेक्ट, यानी कि ऑल इन ऑल पाकिस्तान को अगर सीपेक फिर से शुरू करवाना है तो कंसिडर करते हैं पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या बचे। एक ऑप्शन है कि फिर से चाइना का ट्रस्ट जीतने की कोशिश करे, यू नो, बाय स्टार्टिंग अ हेवी क्रैकडाउन ऑन टेररिज्म, जो बाय द वे वो कोशिश भी बिल्कुल कर रहा है। बट सिंस इस हेवी क्रैकडाउन के बावजूद अकेले 2023 के पहले 6 महीनों में ही करीब 400 लोग पाकिस्तान में टेररिज्म का शिकार हो गए, तो क्लियरली इट्स नॉट वर्किंग इन पाकिस्तान्स फेवर। तो अब उन्हें चाहिए एक प्लान बी, जो उन्होंने बनाया भी था। सो प्लान बी कुछ ये है कि कोई ऐसी मेजर कंट्री ढूंढो जो सीपेक में इन्वेस्ट करे और जिसकी इन्वेस्टमेंट पर टेररिस्ट बार बार अटैक भी ना करे। इन शॉर्ट, कोई ऐसी कंट्री जिसे टेररिस्ट लोग कोई फॉरेन पावर ना समझे बल्कि अपना ही आदमी समझे। एंड नाउ ऐसी कंट्रीज बस कुछ ही है जिन्हें पाकिस्तानी सिविलियंस, मिलिटेंट्स और ऑफिशियल्स तीनों ही बड़े हाई एस्टीम में धरते हैं, एंड उनमें से एक है सऊदी अरेबिया। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के हिस्टोरिकली बहुत पुराने रिलेशंस रहे हैं और आइडियोलॉजिकली भी दोनों कंट्रीज काफी रिलेटेड हैं। और इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस हैं। पहला, दोनों देश इस्लामिक कंट्रीज हैं और पाकिस्तान के बनने के बाद से ही सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानी मदरसास को काफी हैवी फंडिंग दी थी अपने वर्जन ऑफ इस्लाम को प्रोपोगेट करने के लिए। दूसरा रीजन है, 1970s के टाइम से ही सऊदी अरेबिया के सोल्जर्स और पायलट्स को पाकिस्तान की आर्मी ने ट्रेन किया, बिकॉज ऑफ विच आज रॉयल सऊदी एयरफोर्स एग्जिस्ट करती है। एंड लास्टली, पाकिस्तान अकेला ऐसा इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है और कई मीडिया रिपोर्ट्स और सीक्रेट एजेंसीज का ये दावा है कि पाकिस्तान और सऊदी बिहाइंड द कर्टन्स न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम भी कर रहे हैं साथ में। ऐसे ही और भी अन्य कनेक्शंस है ये दोनों कंट्रीज के बीच में और इन्हीं सारे कनेक्शंस का इन दोनों कंट्रीज के आपसी रिलेशंस पर ओवरऑल पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है, जो आप बस इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि आज हालत ऐसी है कि पाकिस्तान में कोई भी आर्मी चीफ बने उसकी पहली और लास्ट फॉरेन ट्रिप सऊदी अरेबिया में ही होती है। और फिर चाहे वो एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा हो, जिन्होंने बिफोर रिटायरमेंट सऊदी अरेबिया जाके सऊदी अरेबिया का किंग अब्दुल अजीज मेडल लिया, या फिर वो करंट आर्मी चीफ आसिफ मुनीर हो, जिन्होंने आर्मी चीफ बनते ही सऊदी अरेबिया विजिट करके $10 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी इन्वेस्टमेंट वाली डील क्रैक की। नाउ दो देशों के बीच में ऐसे कॉर्डियल रिलेशंस होना इज ह्यूज, क्योंकि पाकिस्तान ने शायद इसी के बेसिस पर चाइना को करंटली कन्विंस किया है कि वो सऊदी जैसे बाकी कंट्रीज की भी सीपेक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करे। Every Pakistani leader has played salesman for CPEC. They've tried to sell the expansion, to turn CPEC into something bigger than just a bilateral project. Because इससे पहले चाइना ने officially पाकिस्तान के साथ ही agreement sign किया था कि CPEC के energy और industry से जुड़े projects में उनके completion से पहले पाकिस्तान इन projects में किसी भी country की partnership allow नहीं करेगा। खैर, now that Saudi Arabia की partnership accept हो चुकी है, तो Saudi Arabia भी पाकिस्तान को उसी तरह इस्तेमाल करने वाला है जैसे अब तक चाइना करते आया है। Wanna know how and why? देखो, ये पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी बनाने के लिए जो $10 बिलियन इन्वेस्ट करने की अनाउंसमेंट हुई है ना, वो वैसे तो सऊदी अरेबिया की एक गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल कंपनी सऊदी अरामको ने अभी 27 जुलाई 2023 को ही किया है, लेकिन इस अनाउंसमेंट की टाइमिंग थोड़ी ऑड है, क्योंकि यही सेम अनाउंसमेंट सऊदी ने पहली बार जनवरी 2019 में भी किया था, जब उसके एनर्जी मिनिस्टर खालिद अल फलीह पाकिस्तान गए थे, जिसके बाद बाय द वे तुरंत अगले ही महीने सऊदी क्राउन प्रिंस पाकिस्तान जाकर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी डिस्क्लोज करके आए थे। बट देन पाकिस्तान की अनस्टेबिलिटी देखते हुए इस प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल वायबिलिटी, यानी कि कहीं ये प्रोजेक्ट भी श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट की तरह यूजलेस ना साबित हुए, इस डर से सऊदी ने ये डील होल्ड पर डाल दिया। और अब इस सब के बाद से मुझे पर्सनली समझ में नहीं आ रहा है कि फिर पाकिस्तान कहां से अचानक स्टेबल हो गया, जो सऊदी सडनली आज 3-4 साल बाद फिर से पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए मान गया है। सो इसके लिए फ्रेंड्स, हमने जस्ट सऊदी अरामको कंपनी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट न्यूज सर्च की, एंड दिस इज व्हाट वी फाउंड। सऊदी अरामको
के ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्टेड इस आर्टिकल के अनुसार 21 जुलाई 2023 यानी कि 27 जुलाई के 10 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट वाली उस अनाउंसमेंट के जस्ट एक हफ्ते पहले सऊदी अरामको ने चाइना की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी रोंगशेंग पेट्रोकेमिकल में भी 3.4 बिलियन डॉलर्स के स्टेक्स खरीदे थे। यानी कि सऊदी जो 2019 से ग्वादर में ऑयल रिफाइनरी बनाना चाह रहा था उसे उस वक्त वो एक घाटे का सौदा लगा था और इसीलिए उसने इसे होल्ड पर डाल दिया था। बट सिंस अब चाइना को डेस्परेटली अपने मलाका स्ट्रेट ट्रेड रूट का एक अल्टरनेटिव चाहिए अपने 80% इंपोर्टेड ऑयल को सेफली और सस्ते में चाइना लाने के लिए, तो अब सऊदी पाकिस्तान के ऑयल रिफाइनरी में इन्वेस्ट करके चाइना से प्रॉफिट कमाना चाहता है। इन फैक्ट इट इज वेरी क्लियर, आप खुद देखो चाइना के पर्सपेक्टिव से ए उनको मलाका का एक अल्टरनेटिव मिल रहा है और बी सऊदी का प्रोटेक्शन मिल रहा है क्योंकि सऊदी के प्रोजेक्ट पर अटैक्स होने के चांसेस काफी कम है। सऊदी के पर्सपेक्टिव से देखे तो ए उसको चाइना से एक प्रॉफिटेबल डील मिल रही है जिससे वो अपना विजन 2030 का गोल रीच कर सकता है और बी साथ ही उसे चाइना द्वारा बनाया हुआ एक रेडीमेड ग्वादर पोर्ट इस्तेमाल करने भी मिल रहा है। लेकिन इस सब के बीच में पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से उसे इस सब में क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि पाकिस्तान के खुद के न्यूज़पेपर एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार सऊदी अरामको जो इन्वेस्ट कर रही है वो पूरे प्रोजेक्ट का सिर्फ 30% ही कॉस्ट है, बाकी के 70% का इंतजाम खुद पाकिस्तान करने वाला है अपने 5 ऑयल कंपनीज पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाकिस्तान अरब रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड इनके जरिए। अब यहां पर आप में भी सोचोगे कि इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद प्रॉफिट भी तो पाकिस्तान को ही ज्यादा मिलेगा ना। तो अगेन सऊदी एंड पाकिस्तान ने ये जो डील की है ना वो पाकिस्तान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड है जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को 20 सालों के लिए एक टैक्स हॉलिडे या सिंपली हर तरह की टैक्स छूट दी जाने वाली है। ऑल्सो इस सबसे भी ऊपर इस प्रोजेक्ट में अगेन कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मेजरली चाइनीज कंपनीज को ही दिया गया है, विच मीन सीपेक के बाकी प्रोजेक्ट की ही तरह यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चाइना के ही इंजीनियर्स ले जाएंगे। यानी कि ऑल इन ऑल एक्चुअल डील तो सऊदी और चाइना के बीच में हो रही है और ये दोनों देश मिलकर पाकिस्तान को बस यूज कर रहे हैं। नाउ लुकिंग एट दीज डेवलपमेंट्स ऑब्वियसली अमेरिका तो चुप नहीं बैठेगा, आफ्टर ऑल यहाँ भी डेट ट्रैप और उसके साथ जुड़े पॉसिबल पाकिस्तानी सऊदी न्यूक्लियर एक्सपेंशन वाले एंगल्स भी तो सामने आ रहे हैं। सो इस दिशा में आप देखोगे कि सऊदी की 27 जुलाई की अनाउंसमेंट के बाद तुरंत एक हफ्ते के अंदर अंदर 3 अगस्त को यूएस ने भी पाकिस्तान के साथ अपना CISMOA डिफेंस एग्रीमेंट जो बाय द वे जॉइंट एक्सरसाइजेस ऑपरेशंस ट्रेनिंग मिलिट्री बेसिस और इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ है उसे रिन्यू करवा लिया जो वो 2020 से टाल रहा था। यानी कि अमेरिका दोबारा से पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हो गया एंड अमेरिका इज क्लियरली वरिड। एंड एज फॉर इंडिया, वैसे तो इंडिया इस प्रोजेक्ट से दूर दूर तक कनेक्टेड नहीं है पर पाकिस्तान ऐसा समझता है कि इंडिया से उसके इस ऑयल एंड मिनरल से जुड़े प्रोजेक्ट्स को टेररिस्ट का खतरा है क्योंकि अगेन 27 जुलाई की सऊदी पाकिस्तान डील के जस्ट 3 दिन बाद यानी कि 30 जुलाई को पाकिस्तान में एक सुइसाइड ब्लास्ट हुआ था जिसमें अराउंड 40 से 45 लोग मारे गए थे। 1 अगस्त को जब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ कई देश विदेश के डिग्निटरीज के सामने पाकिस्तान मिनरल समिट की इनॉग्रेशन इवेंट को एड्रेस कर रहे थे तब उन्होंने वहां पर यूएस एम्बेसडर के सामने इंडिया के साथ पीस टॉक शुरू करने के बारे में हिंट दिया। नाउ ये कोई इत्तेफाक नहीं है क्योंकि एक टेरर अटैक के तुरंत बाद एक ऑयल एंड मिनरल से जुड़ी मिनरल समिट में आउट ऑफ नोवेयर इंडिया के साथ पीस टॉक्स की बात करना इज वेरी इनअप्रोप्रिएट एंड वियर्ड एंड देयर इज अ रीजन व्हाई। अब फ्रेंड्स शायद आपको ये पता नहीं होगा पर पाकिस्तान मानता है कि उसके अफगानिस्तान और ईरान से लगकर जो बॉर्डर्स हैं वहां पर जो टेरर अटैक्स होते हैं वो इंडिया करवाता है। अब 30 जुलाई वाला टेरर अटैक भी उसके बॉर्डर वाले गांव में ही हुआ था। यानी कि इफ यू आस्क मी ये जो ब्लास्ट लोकेशन मिनरल समिट इवेंट और इनके डेट्स के बीच की जो टाइमिंग है वो बिल्कुल यही बताती है कि पाकिस्तानी पीएम इस लेटेस्ट ब्लास्ट के लिए भी इंडिया को ही कल्प्रेट मानता है। And he thinks कि अगर इंडिया ऐसे unclaimed attacks बार बार दोहराते रहेगा तो अगेन ईरान बॉर्डर से नजदीक पड़ने वाले उसके ग्वादर पोर्ट ऑयल रिफाइनरी को भी फ्यूचर में खतरा हो सकता है। अब क्या इंडिया एक्चुअली में उस टेरर अटैक में इन्वॉल्व था? वेल वो तो पता नहीं क्योंकि ऐसे allegations आयरॉनिकली पाकिस्तान इंडिया पर सालों से लगाते आ रहा है और पूरी दुनिया जानती है कि टेररिज्म कौन फैलाता है। और अब तो ये फैक्ट भी पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है कि कश्मीर में ऐसी हालत किसने की थी। और वेल फ्रेंड्स इसी मामले को लेकर हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ओपनली ये क्लेम किया है कि इंडिया 2024 तक POK को वापस रिक्लेम कर लेगा।
अब हम ये एग्जैक्टली कैसे करने वाले हैं, उसके क्या रेपरकशंस होंगे और क्या ये पॉसिबल भी है इंडिया के लिए आज के स्टेट के हिसाब से, ये सब मैंने अपने इस वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है। काफी डिटेल एनालिसिस है, आई हाईली सजेस्ट यू गो एंड वॉच इट आउट। और अगर फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। और अब फ्रेंड्स जाने से पहले, हाई पेइंग स्किल सीख कर हाई पेइंग जॉब्स पाने के लिए कोडिंग इन्वेडर्स में 40% डिस्काउंट अवेल करना ना भूले। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड बूस्ट योर करियर। सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।